हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बड़े छोटे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर हमारा वो है द लिविंग वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आसपास काफी सारी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। अगर आप बाहर जाओ, बाहर जाके आप ऑब्जर्व करोगे आपके आसपास की चीज़ों को, तो आप देखोगे भाई काफ़ी सारे प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स हैं। इनके अलावा आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, आपको कई जगह तो आपको क्या है माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो ये वहाँ पर हमारे जो आसपास हैं, हमारे आसपास लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही प्रेजेंट है हमारी। ठीक है, आसानी तरीका होगा कि हम जब अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि आप कैसे बता सकते हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि भाई जो लिविंग थिंग है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। ठीक है, वो सांस ले सकती है, रेस्पिरेशन उसके अंदर होता है, ब्रीदिंग करते हैं वो। ठीक है, तो वो खाते भी हैं, न्यूट्रिशन उसके अंदर वो खाते भी हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन भी उनके अंदर होती है। तो काफी सारी चीजें बता सकते हो कि भाई ये लिविंग है। ठीक है, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो लिविंग एंड नॉन लिविंग है, तो उन्हीं के बारे में जाने। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आप जिसके बेस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग में। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि व्हाट आर लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स हैं क्या? तो लिविंग बींग्स वो हैं जो जिनके अंदर ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, जो रिस्पोंड करते हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट। और ऐसी और विशेषताएं जो जीवन की जो विशेषता शो करते हैं उसे हम कहते हैं लिविंग बींग्स। ठीक है, उनका फॉर्म भी और स्ट्रक्चर भी सबका अलग अलग होता है, जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कुछ लिविंग है नॉन लिविंग है। ठीक है, इसके बेस पे हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग चीज क्लासिफाइड कर सकते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि ट्रीज है, श्रब्स है, एनिमल्स है। ठीक है, और फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर्म एंड जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है नॉन लिविंग थिंग्स का भी क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। सिंपल फॉर्म और स्ट्रक्चर के बेस पे हम क्या क्लासिफाई नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते लिविंग एंड नॉन लिविंग को। तो आइए हम जानते हैं अभी कि वो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पे हम बता सकते हैं कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारा है वो है सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर। भाई एक सेल का स्ट्रक्चर की बात करें, जो सेल के अंदर के क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, और उसके अंदर और दूसरी सारी ऑर्गेनेल्स होती हैं, जो सारी की सारी मिलकर क्या है एक ऑर्गेनाइज वे में काम करती हैं, ताकि वो सेल क्या है प्रॉपरली फंक्शन कर सके। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की बात हो रही है, प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर ऑफ द सेल, एक बेस है ये लाइफ का प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, उनके अंदर क्या है आपको डिफरेंट सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और उसको क्या है कि जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनाइज करके टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और वो सारे के सारे एक साथ परफॉर्म करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में मदद करते हैं, प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करते हैं। वैसे ही सिंगल सेल की बात करें, यूनि सेलुलर की बात करें, तो वहां पर भी सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं जो एक ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, और उस सेल को प्रॉपर अलाइव रखने में, जिंदा रखने में एक अहम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है, होम्योस्टेसिस का मतलब है एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल चेंजिंग इन्वायरमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। किसी भी जीव द्वारा हमारे अपने अंदर का जो वातावरण है, जो इन्वायरमेंट है, उसको स्थायी बनाए रखता है, कॉन्स्टेंट बनाए रखता है, स्थायी। बाहर से चेंज होता रहे मगर उसके बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो सेम रहता है, इसी को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या 37 डिग्री सेल्सियस है, ये हमारा सेम रहता है बाहर का तापमान से कितना ही हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एबिलिटी है बॉडी की अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने की, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या चीज है? मेटाबॉलिज्म यानी कि जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वही सारी सारी क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है। एनाबॉलिज्म ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सिंपलर सब्सटेंसेस क्या करती हैं, मिलकर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में हम एमिनो एसिड जो हम खाना खाते हैं, खाना खा के प्रोटीन्स जो हमारे टूटती हैं किसके अंदर? एमिनो एसिड्स के अंदर। और जो फैट टूटता है फैटी एसिड के अंदर। तो एमिनो एसिड एक सिंपलर सब्सटेंस है। हमारी बॉडी इन एमिनो एसिड को यूज करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। बॉडी की जरूरत के हिसाब से अपने प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है, एनाबॉलिज्म है। सेकेंड स्टेप हमारा कौन सा हो गया इसके अंदर? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं उनका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होके क्या है, सिंपलर सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना हमारे बॉडी के अंदर, उससे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्लस एनर्जी का लिबरेशन होना। एनाबॉलिज्म के एग्जाम्पल और है प्लांट के अंदर। प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। ये भी एनाबॉलिज्म का एक है प्रोसेस है, ठीक है। तो ये काफी बेसिक अहम एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रोथ। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनके अंदर क्या इंटरनल ग्रोथ देखने को मिलती है। इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, देखिए इंक्रीज इन द मास यानी कि इंटरनल बॉडी के अंदर क्या होता है, एक नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर जाते हैं। सेल्स लगातार डिवाइड होते हैं, सेल का नंबर बढ़ता है तो बॉडी का मास भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। तो भाई ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अगर हम किसी पहाड़ की बात करते हैं, तो पहाड़ की जो हाइट लगातार बढ़ते जा रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, क्या वो ग्रोथ है, क्या वो लिविंग है? तो इसके बेस पे हम नहीं कह सकते कि वो कुछ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ठीक है। ये एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि ग्रोथ वहां भी होती है और ग्रोथ हमारे यहाँ भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारी इंटरनली ग्रोथ होती है, मगर नॉन लिविंग थिंग्स में एक्सटर्नली ग्रोथ होती है। बाहर से चीजें एक के ऊपर एक डिपोजिट होती चली जाती है, उसे कहते हैं हम एक्रीशन। तो वहां पर एक्रीशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारी है कॉन्शियसनेस। भाई हम काफी कॉन्शियस हैं, काफी हम अवेयर रहते हैं हमारे आसपास की जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास सराउंडिंग्स के, उसके लिए हम काफी अवेयर रहते हैं, ठीक है। भाई कोई चीज ठंडी गर्म हम खा लेते हैं, हमें पता चल जाता है भाई ये चीज हमारे लिए खतरनाक है, यहाँ जाना ठीक नहीं है, अगर ये चीज हम करूंगा तो मेरे लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेल्फ जो कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है, नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हीलिंग एंड रिपेयर। हीलिंग एंड रिपेयर, भाई हमारे को चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है उसको रिपेयर करने की, ठीक है। चोट लग गई उसकी जगह नए सेल्स लगते हैं, वो जगह खून निकलता है, वहां पर बाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लॉट जब रिमूव होता है तो वहां पर हमें एक नई स्किन देखने को मिलती है। तो ये जो एबिलिटी है ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास है, नॉन लिविंग थिंग्स के पास ये देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कारण हमारी बॉडी में क्या है, वेस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारी बॉडी जो है उस वेस्ट को लगातार बॉडी के बाहर निकालते रहती है, ठीक है। जैसे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, यूरिन का जो फॉर्मेशन है हम बॉडी के बाहर हम निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा यूरिया जो बना हमारे बॉडी में एक मेटाबॉलिक वेस्ट है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमारी बॉडी उसको बॉडी के बाहर एक्सपेल कर देती है। नॉन लिविंग में ये हमें देखने को नहीं मिलता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट। जो लिविंग थिंग्स हैं इनके अंदर बॉडी की मूवमेंट होती है, बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमारे हाथों मिलाते हैं, जब हम चलते हैं हमारे हाथों में मिलते हैं, हम खाते हैं, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं हमारे हिलते हैं, ठीक है। आंखें हमारी क्या है, पलकें हमारी क्या झपकती हैं, आईलिड्स की बात हो रही है। तो ये मूवमेंट्स हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती हैं। बॉडी के अंदर भी हमारे क्या मूवमेंट्स और भी होती हैं, ठीक है। ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट जो पार्ट्स हमारे बॉडी के मूवमेंट करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हमारे क्या है, देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट्स, पाँव के थ्रू चल के या किसी भी रैंक के कैसे भी क्या है चल के, मसल्स की मदद से क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मगर नॉन लिविंग नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे रिप्रोडक्शन की।
भाई जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस न्यू प्रोगेनी विच इज लेस और मोर सिमिलर टू देम सेल्व्स, मगर ये चीज नॉन लिविंग थिंग्स में देखने को नहीं मिलती है जनरली देखें तो, ठीक है। अगर किसी चीज के टुकड़े हो जाते हैं जैसे कि पत्थर के टुकड़े हो गए तो उससे भी क्या है कोई पार्ट्स उस जैसे ही चीजें निकल के अलग हो गई उसके बॉडी से, तो वो भी एक तरह का रिप्रोडक्शन को क्या करता है रिजेंबल करता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में के बेस पे नहीं कह सकते कि उसे लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ स्पैन। भाई लिविंग लाइफ स्पैन है क्या? लाइफ स्पैन एक वो पीरियड है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द एनिमल और ऑर्गेनिज्म, पैदा होने से लेके उसकी मृत्यु तक का जो समय है इसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन, जीवन काल। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जीवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जीवन काल होता है और नॉन लिविंग थिंग्स में जीवन काल नहीं होता है। हिमालय फॉर एग्जाम्पल, हिमालय हिमालय माउंटेन्स की बात करें तो ये आज के नहीं है, काफी सदियों पुराने हिमालय हैं हमारे यहाँ पर, तो आज भी सर्वाइव करते हैं। तो इनके पास लाइफ स्पैन नहीं होता है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है लाइफ स्पैन, तो उनका जीवन काल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेथ। अगर कोई चीज लिविंग है, कोई जीवित है, तो उसकी मृत्यु भी आनी है, ठीक है, मगर नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु कब आती है? जो ऑर्गन्स क्या है बॉडी के काम करना बंद कर जाते हैं, सेल्स डिवाइड करना बंद कर जाते हैं, जिसके कारण ऑर्गन्स काम करना बंद कर जाते हैं और अल्टीमेटली क्या है उसकी डेथ हो जाती है, मगर नॉन लिविंग थिंग्स में ये हमें देखने को नहीं मिलती है। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। और अब हमारे आसपास हम देखें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर हम घर के बाहर निकलते हैं कि जंगल में जाते हैं या किसी अगर किसी खेत के अंदर भी जाते हैं, उस खेत के अंदर भी हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी, एनिमल्स की स्पीशीज देखने को मिलेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये डिफरेंट वैरायटी मिलेगी देखने को किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो ये जो वैरायटी है स्पीशीज की प्लांट्स एंड एनिमल्स की किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अर्थ के ऊपर जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था, अर्थ पे लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था वो 3.5 बिलियन ईयर्स ago हुआ था, तब से लेकर आज तक काफी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट कर गई और काफी सारी स्पीशीज क्या होगी इवॉल्व कर गई, काफी सारी स्पीशीज नई बन गई, हमारे नई इवॉल्व इवोल्यूशन हुआ, काफी सारे स्पीशीज हमारे ओरिजिन में आई। तो इसके बेस पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो आसपास अगर जो अभी तक जो रिकॉर्डेड हमारा जो डाटा है, तो अभी तक हमारे पास 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज हमें देखने को मिलती है प्लांट्स के और एनिमल्स की, ठीक है। तो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारी देखने को मिलती है हमारे अर्थ के ऊपर। तो हर एक एनिमल्स की बात करें, हर एक प्लांट की बात करें, तो प्लांट्स और एनिमल्स का हर जगह सबका क्या होता है अलग अलग नाम होता है। भाई डाइवर्सिटी ज्यादा है, पीपल की डाइवर्सिटी ज्यादा है, अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं देश के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो किसी पर्टिकुलर जीव का अगर अगर कोई नाम है हमारे प्रेजेंट में, यहाँ पर हरियाणा में कोई और दूसरा नाम है, राजस्थान उसको किसी और कुछ कहेंगे, दिल्ली में कुछ और कहेंगे, तमिलनाडु में कुछ और कहेंगे, या फिर किसी दूसरे देश में कुछ और कहेंगे, ठीक है। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का नाम हर जगह अलग अलग हो सकता है ड्यू टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। भाषाएं भी अलग अलग हैं, हर भाषा में उनका नाम भी अलग होगा, ठीक है। तो इस चीज से बचाने के लिए हम एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। वो सिस्टम क्या था? वो साइंटिफिक सिस्टम था, वो है नोमेनक्लेचर का सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल्स का क्या करेंगे नामकरण करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर की बात करें तो ये जो सिस्टम था नोमेनक्लेचर का, इसके तहत क्या है, और ये नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम बनाया गया, ये बनाया क्यों गया? बनाया इसलिए गया कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, पूरे वर्ल्ड में कोई भी जीव एक ही नाम से जाना जाए, ठीक है, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग जीव हैं तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, कोई
अगर आपने कहीं दूसरी जगह जाके नाम ले दिया, उसको समझ में नहीं आया भाई ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसके तहत हर प्लांट का, हर एनिमल का एक क्या हो, एक साइंटिफिक नेम हो, एक उस नाम से वो जाना जाए। तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए, कुछ कोड बनाए गए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग कोड बनाए गए, जिसके तहत हम क्या कर सकें, उसका नोमेनक्लेचर कर सकें। नोमेनक्लेचर में आता ही यही है साइंटिफिक, बाई नोमेनक्लेचर में क्या आता है, प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स, टू डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। कौन कौन से कोड थे इसके बारे में जानेंगे अभी हम। तो पहला कोड हमारा क्या है, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो प्लांट्स के लिए ये कोड बनाया गया है। सेकेंड हमारा कोड है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जूलॉजिकल में जू जो वर्ड आ रहा है ये एनिमल्स के लिए है, यानी कि ये जो कोड है, ये स्टैंडर्ड है, ये किसके लिए तैयार किया गया था, जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो नोमेनक्लेचर होगा इन इस कोड के अंतर्गत होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ICJCN, इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टेरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जितने बैक्टीरिया डिस्कवरी होगी, जितने उन्होंने डिस्कवर किए हैं, जितने आने वाले बैक्टीरिया जो डिस्कवर होंगे उनका नाम इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट हमारे पास है ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये कुछ कोड हैं जिनकी मदद से क्या हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो हमें साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी, वे क्या रिक्वायरमेंट थे साइंटिफिक नेम रखने की, इसलिए जरूरत थी कि हर जितने भी जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ के ऊपर, जो डिस्कवर हो चुके हैं और आने वाले समय में जो डिस्कवर होंगे, सबका क्या हो, कोई नाम हो। किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन की मदद से हम ये जान सके कि हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम क्या है, ठीक है। और ये इंश्योर कर सके कि किसी दो ऑर्गेनिज्म का कोई एक कॉमन नाम ना हो, सबका नाम अलग अलग हो, ठीक है। तो यही एक हमारा सिस्टम था, ये हमारा श्योरिटी करना था कि भाई दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कोई एक सिंगल नाम ना हो, सेम नाम ना हो, ठीक है। और हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन की मदद से, अगर हमें उसका नाम नहीं पता है, उसके हम प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालकर हम सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं हम किस ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ताकि हर ऑर्गेनिज्म का कोई नाम दिया जा सके। तो साइंटिफिक नेम में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा जेनरिक नेम, एक होता हमारा स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। ये जो दो कंपोनेंट वाला सिस्टम है इसे हम कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया था, कार्लोस लेनस ने दिया था, जो कि फिलोसफिया बोटानिका के अंदर को के थ्रू फिलोसफिया बोटानिका के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है इस सिस्टम को, ठीक है। इसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। कार्लोस लेनस ने दिया था, पहला नाम जेनरिक नेम होगा, दूसरा नाम क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। तो उसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। बाइनोमियल में दो मतलब किसी भी एनिमल के क्या होंगे, दो नाम होंगे, और उन दो नाम के अंदर दो नाम कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारा जेनरिक नेम और एक हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे कि मैंगो की बात करते हैं, मैंगो का नाम क्या है, मैंगिफेरा इंडिका। तो पहला जो वर्ड है वो हमारे क्या है, जेनरिक नेम को दर्शा रहा है, और इंडिका क्या दर्शा रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शा रहा है, यानी कि स्पीसीज को दर्शा रहा है, ठीक है। मैंगिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस एंड वाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब आते हैं रूल्स के बारे में, रूल्स क्या क्या है, किसी भी जीव को, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नामकरण होगा उसके लिए कि कौन कौन से रूल्स हैं। कोड हम जान चुके हैं तो हमारे कोड लागू होंगे होंगे सबके लिए। बेसिक रूल कौन कौन से हैं, पहला रूल ये कहता है कि जो भी नामकरण होगा, जो भी नाम रखा जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो लैटिन भाषा में होगा और उसको इटैलिक्स में लिखा जाएगा। लैटिन में इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है, ये एक बार जो नाम जो लिखी गई वो दोबारा चेंज नहीं हो सकती इस लैंग्वेज के अंदर, इसीलिए इसको लैटिन भाषा में नाम लिखे जाते हैं। बायोलॉजिकल जितने साइंटिफिक नेम है लैटिन भाषा में लिखने को मिलेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है जो बायोलॉजिकल नेम का जो पहला जो वर्ड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, और जो दूसरा जो वर्ड होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पेसिफिक एपिथेट को या फिर स्पीसीज को। सेकेंड जो थर्ड जो पॉइंट हमारा है, जो बायोलॉजिकल नेम के अंदर जो वर्ड्स हैं अगर वो हैंड रिटन है,
हाथ से लिखे हुए हैं तुमको अंडरलाइन करना पड़ेगा, अगर वो प्रिंटेड है उसको इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा, जो प्रिंटेड होगा वो इटैलिक्स में होगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो जीनस का जो पहला वर्ड का जो पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीशीज का जो क्या बोले वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, एक रूल और है, दोनों नाम से पहले दोनों नाम के बाद, जैसे कि यहाँ पर मैग्नीफेरा इंडिका का लिखा हुआ है, इंडिका के बाद अगर एक नाम और आएगा वो आएगा उसके डिस्कवरर का, जिसने पहली बार उसको डिस्कवर किया उसको डिस्क्राइब किया, उसका नाम आएगा स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। ठीक है, जैसे कि मैग्नीफेरा इंडिका लिन, भाई कार्लस लिनस ने सबसे पहले मैग्नीफेरा इंडिका के बारे में डिस्क्राइब किया था, इसलिए इंडिका के बाद उनका शॉर्ट एब्रिविएशन आई उसके नाम की लिन आई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कि जितनी जो स्टडी है हमारी आइडेंटिफाई करने की, क्लासिफाई करने की, ठीक है, अलग अलग डिग्रीज के अंदर, वो हमारी आती है सिस्टमेटिक्स के अंदर आती है। तो सिस्टमेटिक्स क्या होती है, सिस्टमेटिक्स ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद कैटेगराइजिंग प्लांट्स एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स इनटू कैटेगरीज। भाई प्लांट्स को और एनिमल्स को, दो जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म उनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करना, डिवाइड करना, वो सिस्टमेटिक्स के तहत आता है। सिस्टमेटिक्स की मदद से उनको क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ऐसे साइंटिस्ट, ऐसा पर्सन जो इस स्टडी से जुड़ा हुआ है, जो स्टडी करता है, उसे कहते हैं सिस्टमेटिस्ट कहते हैं या फिर टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स का दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, टेक्सोनोमी। ठीक है, टेक्सोनोमी भी क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, क्लासिफाई किया, उसको आइडेंटिफाई किया, क्लासिफाई किया था जो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, अब थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लें। ठीक है, वैसे तो वैदिक लिटरेचर में क्लासिफाई किया हुआ है, हमारी जो वैदिक लिटरेचर है उसके अंदर, जैसे कि पादपा, प्लांट्स को पादपा कहा गया है, अंडूजा कहा गया है, अंडे देने वाले जीव अंडूजा कहा गया है, जलज कहा गया है, जलज वो जीव जो पानी में रहते हैं, तो हमारी वैदिक हिस्ट्री में भी इसकी देखने को मिलता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में हमारा क्या हुआ था, देखो सबसे पहले हिपोक्रेट्स थे जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, और एरिस्टोटल थे जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, कहां पर ये मिलते हैं, पानी में मिलते हैं या पृथ्वी में मिलते हैं या हवा में मिलते हैं। तो टेरिस्ट्रियल, एरियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था हिपोक्रेट्स ने एंड एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट बात करें हम, वह थियोफ्रेस्टस जिन्हें हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, इन्होंने प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था, क्लासिफाई किया था इनकी किताब के अंदर हिस्टोरिया प्लेनिटेरियम में। नेक्स्ट हमारे हैं प्लेनी द एल्डर, जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था उनकी किताब के अंदर हिस्टोरिया नेचुरलिस्ट के अंदर, जिनके अंदर उन्होंने 1000 से ज्यादा प्लांट, इकोनॉमिक प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था। इकोनॉमिक प्लांट्स कौन से, जो ह्यूमंस को नॉन थे उस दौरान, ऐसे प्लांट जिनके बारे में ह्यूमंस को, इंसानों को ज्ञान था, उन प्लांट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है जॉन रे, जिन्होंने सबसे पहले स्पीसीज वर्ड का यूज किया। क्वेश्चन आता है यहां से कि सबसे पहले स्पीसीज वर्ड का यूज किसने किया था, जॉन रे ने किया था। उन्होंने उस समय अपने 18,600 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया तीन वॉल्यूम्स के अंदर, कौन सी किताब थी वो, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। ठीक है, इसके तीन वॉल्यूम्स के अंदर उन्होंने 18,600 प्लांट्स को क्या किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, अब बात आती है कि जो सिस्टमेटिक स्टडी है उसके बेसिक्स क्या है। ठीक है, चार हेडिंग्स के अंदर बात करेंगे यहां पर, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन में क्या आता है भाई, हम कोई भी नया जीव हमें मिलता है, हम खोज करते किसी जीव की, तो उसके करेक्टर्स को हम नोट डाउन करते हैं, स्टडी करते हैं, वह किस तरह का ये प्लांट है, किस तरह का ये जीव है, एनिमल है। ठीक है, उन करेक्टर्स के बेस पर हम उस जीव को आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये जो प्लांट है, ये जो एनिमल है, वो किस दूसरे प्लांट और एनिमल से कुछ मैच खाता है।
एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है, आइडेंटिफाई होने के बाद उसको हम क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे भाई उस प्लांट को किस डिवीजन में डालना है, किस जीनस के अंदर डालना है, किस फैमिली के अंदर डालना है, या उस एनिमल को किस फाइलम में डालना है, किस ऑर्डर में डालना है, किस फैमिली में, किस जीनस में, किस स्पीसीज में डालना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन जब सारी चीजें हो जाती हैं, क्लासिफिकेशन हो जाती है, आखिरी में उसका आता है नामकरण। जैसा कि हमने बात की थी पहले, ये अलग अलग कोड्स हैं, उस कोड्स के अकॉर्डिंग उसका हम क्या करते हैं आखिरी में नोमेनक्लेचर करते हैं। तो दीज आर द सम बेसिक्स ऑफ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी। पहली हमारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी, दूसरी हमारी कौन सी है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी की बात करें तो ये हमारी काफी पुरानी टेक्सोनॉमी है, जिसकी जिसके अंदर हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स को यूज करके हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया करते थे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो हम बाहरी तौर से या बाहरी रूप से देख सकते हैं, रंग रूप कैसा है, पत्ते कैसे हैं, ठीक है, जड़ कैसी है, ठीक है, तना कैसा है, एनिमल देखने में कैसा है, ठीक है, रीड एनिमल देखने में कैसा है, पानी में रहता है कि बाहर रहता है, स्किन कैसी है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कौन से हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। अब हमारी जो आई है, हमारी नेक्स्ट हमारी ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी आई है। कौन सी मॉडर्न टेक्सोनॉमी है, जो ये जो टर्म है मॉडर्न टेक्सोनॉमी की, ये जूलियन हजली ने दी थी। इसके अंदर हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी वाले जो पॉइंट्स उनको भी लेके चलते हैं, और इनके अलावा हम क्या लेके चलते हैं, एनाटॉमी को भी, भाई बॉडी का किसी प्लांट का या एनिमल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, साइटोलॉजी के अंदर आता है हमारा, फिजियोलॉजी कैसी है उसकी, इंटरनल जो सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम इंटरनल किस तरह के हैं, वो सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। बायोकेमिस्ट्री के बारे में, बायोकेमिस्ट्री की भी मदद ली जाती है यहाँ पर मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर, की जो डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट जो केमिकल जो प्रेजेंट है, बायोकेमिकल जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, वो किन चीजों से मिलकर बना है, कौन कौन से कंपोनेंट है उस सेल के, बायोकेमिस्ट्री में आता है। इकोलॉजी की भी को भी ध्यान में रखा जाता है, अभी कैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, उसका फीडिंग हैबिट कैसी है, ठीक है, वो किस तरह का एनिमल है, वो सारा इकोलॉजी के अंदर आता है हमारा। नेक्स्ट जेनेटिक्स की बात करें, जेनेटिक्स को भी कंसिडर किया जाता है इसके अंदर, ठीक है, भाई उसका जो जेनेटिक मेकअप कैसा है, ठीक है। इसके अलावा फाइलोजेनिक स्टडी भी की जाती है इसके अंदर, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर। फाइलोजेनिक स्टडी के अंदर क्या देखा जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखी जाती है कि भाई किसी जीव का किस जीव से, भाई किसी जीव का विकास किस जीव से हुआ है, ठीक है। जैसे अगर बात करें ह्यूमन बींग्स का, कहते हैं हमारे पूर्वज हमारे क्या थे, बंदर थे या जो भी थे हमारे, तो ऐसा क्यों कहते हैं हम, क्योंकि हमारे जो करेक्टर हमारे इनसे मिलते हैं, यानी कि हमारा जो विकास है हमारा किनसे, बंदरों से हुआ है, बंदर या बंदर जैसे जीवों से हुआ हमारा, ठीक है। हालांकि हमारे जो करेक्टर्स हैं, हमारे जो ऑलमोस्ट जेनेटिक्स की बात करें या मॉर्फोलॉजिकली बात करें, वो हमारे किससे मिलते हैं, वन मानुष से मिलते हैं, हमारे हमारे करेक्टर से मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया है कि हमारा विकास किससे हुआ, इसे कहते हैं हम फाइलोजेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, टेक्सोनॉमी के अंदर लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो हमने बात की, आज हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स के बारे में बात की, तो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, हम डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, भाई एनिमल्स को डिफरेंट किन किन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, और कौन कौन से टूल्स हैं जिनकी मदद से हम स्टडी कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोबारा से नया टॉपिक लेके। तो आज बस इतना ही, थैंक यू बेटा।